चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। मुरैना पंचायत चुनाव का दूसरा चरण खत्म होने के तुरंत बाद ही चुनावी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष होने लगे। एक युवक को घेरकर उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। इसके बाद युवक के घर और गाड़ी पर फायरिंग की गई। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। गाँव में दूध दुआते हैं, दूध दुआने का काम करते हैं। आज मैं भी गांव में वोट डालने के लिए गया था, वहां पे इन्होंने भी अपना वोट डाला, लेकिन वो जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो दबंग लोग हैं। वो चाहते हैं कि हमारे कहने से पूरा गांव एक जगह वोट दे, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा हो नहीं सकता। हर एक आदमी का अपना मत है। उन्होंने फोन करके धमकी दी और जा करके 10-15 लोग गए और वहाँ से कोई धारदार हथियार से पूरा सर फाड़ दिया है। जब लड़के हमारे घर वालों को पता चला कि सर फाड़ दिया भाई का, तो गाड़ी से लेने के लिए गए, तो गाड़ी पर भी गोली चलाई। पौने 6 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी, गांव में कुछ झगड़ा हो गया हरचंद बसई में परमार समाज के लोगों में। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा एक व्यक्ति घायल है, उसके सिर में चोट पोट लगी हुई है। गांव में यही सब जानकारी मिली है कि आपस में कुछ इनकी पुरानी रंजिश थी और उसी बात को लेकर आपस में उन्होंने लाठियों से मारपीट की है। अभी ये बता रहे हैं किसी ने गोली भी फायर किया है। गोली लगी तो किसी को नहीं, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं सत्य क्या है, उसी हिसाब से आपराधिक परिणाम संजीवन करने की तैयारी की जा रही है।